दोस्तों, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जयपाल सिंह गुर्जर का नोएडा के मेट्रो अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि नोएडा के मेट्रो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दो दिन पहले यानी 4 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने से इनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, मायावती एवं राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में ये मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपाल सिंह गुर्जर मेरठ के खरदौसा क्षेत्र के लालपुर गांव के रहने वाले थे। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में उनका दिल की बीमारी का उपचार चल रहा था। वहीं उनके बड़े बेटे प्रताप सिंह ने बताया है कि मंगलवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं गुरुवार करीब 11 बजे उन्होंने नोएडा के मेट्रो हॉल अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बताते कि वे बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहे थे। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त, मायावती एवं राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री भी वे रह चुके थे। वहीं पूर्व मंत्री जयपाल सिंह के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे प्रताप सिंह भाजपा में राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरे बेटे विकास यमुना अथॉरिटी औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिशायी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। वहीं तीसरे बेटे संजय गुर्जर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वहीं मिली खबर के अनुसार उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव लालपुर में शाम 5 बजे किया जाएगा। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।